हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको अपने छोटे बेबी पैरेट को कैसे रखना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगर आपने अपना बेबी पैरेट न्यू लेके आए हो और आप बिगनर हो, आपको नहीं पता है, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही फ़ायदेमंद है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये मिस्टेक कर देते हैं कि उनको पता नहीं होता है किस तरीके से आपके बेबी पैरेट को रखना चाहिए, और वो लोग डायरेक्टली एक्साइटमेंट में अपने बेबी पैरेट को पिंजरे में रख देते हैं, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है। अब आप बोलेंगे कि पिंजरे में रखने से कैसे डेथ हो सकती है, तो इसका जो रीज़न है मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। दोस्तों, जब ये बेबी पैरेट छोटे होते हैं तो ये पेड़ में होते हैं, और जहाँ का ये टेम्परेचर रहता है, यानी उन लोगों को गर्माहट चाहिए होती है। और हम लोग जब इसको लेके आते हैं बाहर से बाय करके या पकड़ के, तो हम लोग उसको डायरेक्टली पिंजरे में रख देते हैं, जिसकी वजह से इनकी बॉडी टेम्परेचर ठंडा हो जाता है और इनको कोल्ड हो जाता है, फीवर हो जाता है, नज़ला यानी ज़ुकाम हो जाता है, जिसके वजह से इन लोग बीमार हो जाते हैं और इनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो जब मैं पिछली बार बेबी पैरेट लेके आई थी और मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था किस तरीके से इसको रखना चाहिए, किस तरीके से इसको केयर करना चाहिए, ठीक है, तो मैंने इसको डायरेक्टली लाई और थोड़े कुछ दिन तक इसको मैंने गर्म जगह पे रखी थी। फिर मैंने इसको एक्साइटमेंट में आके इसको मैंने पिंजरे में रख दी थी, जिसकी वजह से मेरे बेबी पैरेट की डेथ हो गई थी, और बहुत सारे रीज़न थे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको एक कार्टून बॉक्स ले लेना है। मेरा बेबी पैरेट जो है वो 40 दिन का है, यानी एक महीना या 40 दिन का है। आप देख सकते हैं पिछली आगे वाली वीडियो में, आप देख सकते हैं कितना छोटा था, अब ये थोड़ा माशाल्लाह बड़ा हो चुका है या बड़ी हो चुकी है। आपको एक कार्टून बॉक्स ले लेना है, उसके नीचे आपको एक कपड़ा या आप सोपता या कापूस वगैरह आप डाल सकते हैं, जिसमें अगर ये पॉटी करता है तो ये पॉटी उसके अंदर जाके जो उसका लिक्विड रहता है वो ऑब्जर्व हो जाए। बहुत सारे लोग इसको पेपर में डाल के रखते हैं, पेपर बिछा देते हैं, जिसकी वजह से वो पेपर गीला हो जाता है और हमारा बेबी पैरेट उसी पे बैठता है, और उसका पैर में ठंडक पहुंचने की वजह से उसको ठंडी लग जाती है और उसको ज़ुकाम वगैरह हो जाता है, जिसके वजह से वो बीमार हो जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। आपको एक सोपता ले लेना है, इस तरीके से आप डाल सकते हैं और उसके ऊपर बारीक बारीक पेपर टुकड़ा करके डाल सकते हैं या कपड़ा डाल सकते हैं, जिसकी वजह से अगर वो पॉटी वगैरह करता है तो वो डायरेक्टली उसके अंदर ऑब्जर्व हो जाएगा। यहाँ पर मैंने 3 लकड़ी डाल के रखी हूँ, अगर मेरे बेबी पैरेट का मन करेगा तो वो ऊपर बैठ जाएगा। अगर आपका भी बेबी पैरेट है, वो जैसे जैसे बड़ा होगा उसको सब समझ में आने लगेगा। आप देख सकते हैं ये यहाँ पे बैठा हुआ है, और आप नीचे देख सकते हैं अगर पॉटी है, पॉटी किया है, तो वो नीचे डायरेक्टली जाता है और वो ऑब्जर्व हो जाता है लिक्विड वगैरह, जिसकी वजह से ठंडी नहीं लगती है। और आपको रात के टाइम पे इसको बंद करके रखना है, खुले में नहीं रखना है। जब तक आपका बेबी पैरेट 2 महीने का नहीं हो जाता, 2.5 महीने का नहीं हो जाता है, आपको इसे पिंजरे में नहीं रखना है, ऐसे ही कार्टून बॉक्स के अंदर रखना है। अब आती है बात इनके खाना खिलाने की। अगर आप इनको खाना खिलाते हैं तो ये बहुत छोटे हैं, इनको आप कभी भी ये गलती ना करें, फ्रीज का खाना या फ्रीज के फ्रूट्स वगैरह बिल्कुल भी ना दे, क्योंकि जब फ्रीज के फ्रूट्स वगैरह इंसानों को नुकसान करते हैं, ये तो बर्ड्स हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। कभी भी अगर आप इनको हेड फीड फार्मूला देते हैं तो इनको गर्म पानी में घोल के उसको ठंडा करके दीजिए, ठीक है। ठंडा करके यानी फ्रीज में रख के इसको हल्का गुनगुना एकदम सादा बाहर रखे करके दीजिए, जिसकी वजह से इनको कोल्ड वगैरह नहीं होगा। हैंड फीड, जब भी आप इनको हैंड फीड करवाते हैं तो चने की दाल और उबली हुई दाल ये सब बिल्कुल भी ना खिलाइए। अगर आपको चाहिए तो आप बाहर का हैंड फीड फार्मूला खिला सकते हैं जो रेडीमेड आता है, क्योंकि ये अभी बच्चे हैं, और अगर आप इनको डायरेक्टली चने की दाल पानी में भिगा के अगर आप देते हैं तो इनको डाइजेस्ट नहीं होगा, क्योंकि जो बर्ड्स होती हैं, इनकी माँ होती है, वो इनको खा के पचा हुआ वो खिलाती है आधा डाइजेस्ट करके, वजह से ये लोग बहुत अच्छे तरीके से डाइजेस्ट कर लेते हैं। और आपको बिल्कुल भी ये सब चीज़ नहीं खिलाना है, और ये छोटे हैं तो इनको फल फ्रूट्स अभी नहीं देना है। अगर आपको चाहिए तो आपको मैं एक वीडियो और शेयर कर देती हूँ, अगर आपके पास बजट नहीं है हैंड फीड फार्मूला बाहर का ख़रीदने का, तो मैं आपको वो वीडियो नेक्स्ट वीडियो में शेयर कर दूँगी कि आप
होममेड हैंड फीड फार्मूला कैसे बना सकते हैं, कैसे खिला सकते हैं, वो मेरे पैरेट को बहुत पसंद है। तो आई होप अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए जिसमें आपको मेरी वीडियोस की सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगी।